आपको वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरटीजे कॉलेज। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन हो रखा है और लॉकडाउन में क्लासेस जो इंस्टीट्यूट हैं वो नहीं ओपन हो पा रहे हैं, तो हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी हैं। हम नीट और जेई की कोचिंग देते हैं और यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको असाइनमेंट तभी मिलेगी अगर आप एडमिशन लेते हैं, तो एडमिशन के लिए आप जो कांटेक्ट नंबर है प्रोवाइड किया गया है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा नाम है प्रियंका और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। आज हम 11th क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। 11th क्लास का जो फर्स्ट यूनिट है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो जो पहला चैप्टर आता है इसका वो क्या आता है, द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ल्ड में भी जो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है बायोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, अर्नेस्ट मेयर कौन है, लिविंग एग्जैक्टली क्या है, फिर ग्रोथ क्या होती है, रिप्रोडक्शन से हम कैसे बोल सकते हैं कि लिविंग है या नहीं है, मेटाबॉलिज्म से कैसे बताया जा सकता है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बारे में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से लेक्चर को सुनेंगी। और ख्याल रखिए आप हर बात को बहुत अच्छे से सुन रहे हो, क्योंकि अगर आप सुनेंगे नहीं तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आप नहीं कर पाएंगे। कुछ बातें होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि मैं बताऊंगी ही, जो कि आपको वीडियो में नहीं दिखाई देगा, आपको सुनाई जरूर देगा, लेकिन अगर आप सुनेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे और आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं उससे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक पिक्चर आपके सामने आ रहा होगा जिसमें आपको अलग अलग एनिमल्स दिखाई दे रहे हैं। अर्थ पे देखो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो लिविंग की इसी अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं। बायो लिविंग डाइवर्सिटी मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो लिविंग अर्थ पे हैं वो क्या शो करते हैं, फिर बायो डाइवर्सिटी शो करते हैं। और इन सबको फिर अलग अलग से क्लासीफाई भी किया गया है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी है तो क्लासिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी था। किसी को अलग किया गया, किसी को एनिमल में रखा गया, किसी को प्लांट में रखा गया, फिर प्रोटोजोन्स अलग आ प्रोटी सॉरी प्रोटिस्टा अलग आ गए, किंगडम अलग आ गया, किंगडम फंजाई अलग आ गया, फिर आपके पास मोनेरा अलग आ गया। ठीक है, तो लिविंग में डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा और उनको अलग अलग तरह से फिर क्लासीफाई किया गया है। तो हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बहुत सारे बच्चे हैं जो 10th से आए होंगे, तो 10th से अभी +1 में आए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो +2 वाले +1 का देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि अपना 12th कंप्लीट कर चुके हैं और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए मैं अपना एक बात का टेंशन बिल्कुल नहीं ले, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे आपको जो भी नोट्स दिखेंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी के ही हैं। एक्स्ट्रास जो भी होंगे वहाँ पे मैं खुद से बोल दूंगी कि आपको ये नोट डाउन करना है, वो अलग से आपको एक्स्ट्रा एडिशनल लेक्चर में प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर मैं लेक्चर के दौरान भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। लेकिन आपको बाकी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार मैं पढ़ा दूँ तो उसके बाद आप ज़रूर एक बार एनसीईआरटी पढ़ें और इंश्योर करें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए बायोलॉजी की अगर बात करते हैं तो बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, और लॉजी का मतलब स्टडी, लिविंग स्टडी, लिविंग की स्टडी, उसको क्या बोल देंगे हम, बायोलॉजी। तो स्टडी ऑफ लिविंग्स क्या हो गया, बायोलॉजी। तो लिविंग में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स अलग अलग लाइफ फॉर्म, मतलब प्लांट्स अलग आ गए, एनिमल्स अलग आ गए, आपके पास फंजाई अलग आ गया, आपके पास बैक्टीरिया अलग आ गया, अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं ये, और उनके अंदर किस तरह के प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको हम क्या बोल देंगे, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में आप पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, स्टडी ऑफ प्लांट्स, एंड जूलॉजी में आप पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, स्टडी ऑफ एनिमल्स। हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल आप स्पेलिंग लिख सकते हैं ARISTOTLE। जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल ही हैं, अरस्तु भी इन्हें बहुत बार कहा जाता है, और बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस। इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिए इन चीज़ों को। ठीक, तो देखिए अब बायोलॉजी तो आप समझ गए, बॉटनी आप समझ गए, जूलॉजी आप समझ गए। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जो अर्ली मैन था, जो पहले लोग थे, क्या वो भी जानते थे कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, जानते थे या नहीं जानते थे। ऑब्वियसली वो भी जानते थे लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। आज तो हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं कि हाँ लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है, एग्जैक्टली हमें किसको मानना है किसको नहीं मानना है। लेकिन बहुत पहले जो अर्ली मैन था वो भी जानते थे कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ये टर्म यूज की गई है, इन एनिमेट मैटर। इन एनिमेट मैटर मतलब नॉन लिविंग। ठीक है, तो जो अर्ली मैन जो था वो पूजा भी करता था इन एनिमेट मैटर की भी और कुछ एनिमल्स एंड प्लांट्स की भी। देखिए अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इन एनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
मतलब वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाते थे इन नॉन लिविंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म को. तो अर्ली मैन डिफाइड जो था वो बहुत मानता था, मतलब इनएनिमेट मैटर में जैसे हवा हो गया, सी हो गया, फायर हो गया, और कुछ एनिमल्स और प्लांट्स को. और इस तरह की फॉर्म जिनको बहुत माना जाता था ना, उनमें एक कॉमन फीचर था. वो कॉमन फीचर क्या था, मतलब वो लिविंग और नॉन लिविंग, सारे नॉन लिविंग और लिविंग जिनको अर्ली मैन बहुत मानता था, उनमें एक था कि वो काफी एक भय सा उसमें पैदा करते थे. आप बोल सकते हैं कि निर्जीव और चेतन वस्तुओं की ऐसे सभी रूपों की एक सामान्य विशेषता थी कि वो खौफ या भय का भाव कराते थे. अब सिंपल सी बात है ना कि वो पानी का एकदम से एक समुद्र में लहरें उठेंगी तो थोड़ा डर लगेगा, ठीक है. तो अर्ली मैन भी जानता था लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या डिफरेंस था. तो आप बहुत सारे बच्चे इस लाइन को लेके कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया है. अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म ऑफ इन एनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट्स वॉज द सेंस ऑफ एव और फियर दैट दे इवोक्ड. मतलब समझ गया, इन एनिमेट और एनिमेट, इन एनिमेट हो गया नॉन लिविंग, एनिमेट हो गया लिविंग, ठीक है. तो वो जिनको पूजा करता था यूजुअली अर्ली मैन लिविंग और नॉन लिविंग की, उनका एक कॉमन फीचर था कि वो थोड़ा उसको डर का जैसा भाव देते थे, ठीक है. और दूसरा रीजन एक और हम बता सकते हैं कि प्लांट्स को क्यों पूजा जाता था. देखिए, अलग अलग धर्म है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह के एनिमल्स को पूजा जाता है कई कई सौ सालों से, कई हजारों सालों से. और प्लांट्स को अभी भी ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा पूजा जाता है. क्यों? क्योंकि ट्राइबल एरिया में मेडिसिन का ऐसा कोई होता नहीं है ना कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स बैठे हैं या कुछ भी. तो वो खुद से किसी भी प्लांट का वैल्यू एग्जैक्टली उनको पता चलता है, और वो उसको चाहते हैं कि वो कंजर्व करें, क्योंकि उनको पता है कि वही प्लांट है जो उनको आगे सर्वाइव करने में हेल्प करेगा, ठीक है. तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है. तो देखिए, किसी ने पहले इतना ध्यान नहीं दिया, सब जी रहे थे आराम से, किसी को कोई फर्क नहीं था. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, हालांकि इंक्लूडिंग हम भी लिविंग ही है ना, तो वो बहुत लेट शुरू हुआ. सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज. देखिए, जो भी अलग अलग सोसाइटीज थी, पहले सोसाइटीज बनती थी इस तरह से, जो साइंटिस्ट की भी अलग अलग सोसाइटीज होती थी, जो कि सिर्फ नॉर्मल सा मतलब ह्यूमन का व्यू, नॉर्मल से एंथ्रोपोजेनिक व्यू से सोच रहे थे कि हाँ ऐसा है लिविंग, ऐसा है लिविंग, मतलब वो बहुत वाइड तौर पे नहीं सोच रहे थे, वो कोई सिस्टमैटिक तौर पे नहीं सोच रहे थे, मतलब वो एक वेल प्लान तौर पे नहीं सोच रहे थे. उन्होंने एक लार्ज व्यू को नहीं इंक्लूड किया था, बस नॉर्मल सा वो समझने की कोशिश कर रहे थे. तो वो बहुत ही उनको कम प्रोग्रेस मिली उस बायोलॉजिकल नॉलेज में. फिर कुछ लोगों ने जो है वो सिस्टमैटिक मतलब वेल प्लान्ड एंड मॉन्यूमेंटल, मतलब लार्ज स्केल पे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन किया लाइफ फॉर्म का, ठीक. और फिर उनको क्या मिला, उन्होंने फिर तब बनाया आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन का सिस्टम. देखिए, सिस्टमैटिक एंड मॉन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ब्राउट इन आउट ऑफ नेसेसिटी डिटेल्ड सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. तो भाई ऐसा थोड़ी हो जाएगा, जिन्होंने वेल प्लान करके किया, तो उन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आपको जानना है कि इसको प्लांट में रखा जाएगा, एनिमल में रखा जाएगा, उससे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देखिए, यहाँ पे नॉमनक्लेचर पहले दिया गया है, हालांकि क्लासिफिकेशन में लास्ट में नॉमनक्लेचर होता है, ठीक, लेकिन कोई बात नहीं. नॉमनक्लेचर पर क्लासिफिकेशन तभी कंप्लीट होगी अगर नॉमनक्लेचर होगा, ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर पहले आएगा. तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ध्यान से देख लीजिए कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, पहचाना उसको, नाम दो और उसको क्लासिफाई कर दो, ठीक है. आर्थ्रोपोडा, ये अलग अलग फाइलम आते हैं, क्लासिफाई कर दो पहले उसको, एक किंगडम दो. किंगडम मतलब प्लांट्स में आया, एनिमल्स में आया, मोनेरा में आया, प्रोटिस्टा में आया, ठीक है. अभी जो नए नए बच्चे हैं उनको ये चीज़ समझ नहीं आएगी, जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें समझ आएंगी. वैसे समझ आना चाहिए, 9th क्लास में सबने पढ़ा होता है, ठीक है. तो बिगेस्ट स्पिन ऑफ सच स्टडीज वॉज द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोथ होरिजोनटली एंड वर्टिकली. देखिए, सबसे बड़ा जो आया मोड़ इस स्टडी में वो कब आया, जब धीरे धीरे जो है वो स्टडी आगे बढ़ रही थी, लोग क्यूरियस हो रहे थे जानने के लिए कि चीजें कैसी थी पहले. आज भी हम बहुत क्यूरियस हैं कि पहले क्या था, लेकिन आज हमें कम से कम ये तो पता है कि हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं,
ठीक है, हम प्राइमेट्स के ही, प्राइमेट्स जो हैं वो हमारे एंसेस्टर हैं, हमें पता है ना इस चीज़ का। तो सबसे बड़ा मोड़ जो आया इस पूरा बायोलॉजी को समझने में कि किस तरह से लोग बने, किस तरह से क्या हुआ, तो वो कब आया? जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं किसी भी तरह से देखा जाए, ठीक, तो वो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जो है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जब लोगों को ऐसा पता चला, अच्छा कि ठीक है, इनमें सिमिलरिटी है और इनसे हमें भी कुछ फायदे हैं, तो लोगों ने थोड़ा फिर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना शुरू किया। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वॉज अ रेवलेशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्या हुआ, जब लोगों को ये पता चला कि यार जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनसे हमें फायदे हैं, पीछे जो मर भी चुका है उससे भी हमारा कुछ ना कुछ रिश्ता है, उससे आज हम बने हैं, आगे भी कुछ इस तरह का इवोल्यूशन हो सकता है। तो आप देखेंगे, मतलब कई बार आप बिल्कुल अलग ऑर्गेनिज्म देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपको उनमें क्या मिलेगा, सिमिलैरिटी देखने को मिलेगा। अगर आप प्राइमेट्स की और ह्यूमंस की बात कर सकते हैं, बिल्कुल अलग हैं, जैसे गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गया, ये मंकीज हो गए। मतलब अब देखिए, प्राइमेट्स में आपने सुना है मैंस्ट्रुअल साइकिल उनमें भी चलता है, मैंस्ट्रुअल साइकिल हमें भी चलता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करते हैं। तो इससे क्या हुआ, इंसान को लगा कि ये इनसे हम बने हैं, ठीक है, और आगे भी ऐसे कुछ बहुत सारे चेंजेस होने हैं। तो फिर क्या हुआ, फिर शुरू हुई कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, की जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनको बचाया जाए, उनको खत्म होने से रोका जाए। समझ के ना, तो बायोलॉजी सिंपल सा वर्ड, स्टडी ऑफ लिविंग्स, पहले भी लोग जानते थे लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस क्या होता है, वो पूछते थे लिविंग को और नॉन लिविंग को, और ऐसी नॉन लिविंग और लिविंग जिनको यूजुअली पूजा करते थे उनमें एक कॉमन थी कि वो थोड़ा उनको डर जैसा ही कुछ फीलिंग कराते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास, अब हम कहानी सुनेंगे अर्नेस्ट मेयर की। तो ये अर्नेस्ट मेयर कौन थे, तो ये समझ लीजिए, ऐसे कहानी सुनते हैं कि एक गांव था, ठीक है, एक गांव में एक कपल रहता था, ठीक है, उनके एक बेटा हुआ, बेटे का जन्म हुआ 5 जुलाई 1904 में, ठीक है। अब वो गांव कहाँ रहता था ये भी समझ लीजिए, जर्मनी में कैम्पटेन, ठीक है। तो ये जर्मनी में 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन में एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। बड़ा होता है वो बच्चा, बहुत सारा पढ़ता है वो, ठीक, इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाता है। कितना पढ़ता है वो बच्चा, इतना पढ़ता है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाता है, वहां पे एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट होता है, ठीक। और उसको इतना पढ़ता है, इतना पढ़ता है कि उनको क्या बोल दिया गया, द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या बोल दिया गया उस लड़के को, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, जो कि उस टाइम के, मतलब आज तक के जो 100 साइंटिस्ट, महान 100 साइंटिस्ट हैं, उनमें उनका नाम लिया जाता है, ठीक है। 1904 को जर्मनी में वो बच्चा पैदा हुआ, 5 जुलाई को वो पैदा हुआ, और इतना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके वो प्रोफेसर लगा, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी उसको कहा गया, ठीक है। वो हार्वर्ड में जो उन्होंने ज्वाइन किया, हार्वर्ड में जो प्रोफेसर वो लगे, जिस फैकल्टी में वो गए, वो था आर्ट्स एंड साइंसेस का, 1953 में, और 1975 में, 1975 में वो वहां से रिटायर हो गए, ठीक है। तो किस में गए वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आर्ट्स एंड साइंसेस में, 1953 में वो प्रोफेसर लगे, 1975 में वो रिटायर हो गए। भाई देखो, उस लड़के ने, लड़की क्या, 1975 तक तो बुढ़े हो गए, लेकिन क्या किया, इतना बड़ा ताज लेके आ गए वो, टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर एगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, ठीक है। कौन सा टाइटल मिला, अलेक्जेंडर एगिसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस, समझ गए ना, ठीक। फिर ऐसा करते करते उन्होंने बहुत, मतलब
80 साल का कैरियर था, जिसमें उन्होंने सिर्फ इवोल्यूशन पे ही नहीं, उन्होंने ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी टेक्सोनॉमी आप पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन एंड ऑल वो टेक्सोनॉमी के अंडर आएगा, सिस्टमैटिक्स, हिस्ट्री, फिलोसफी, मतलब फिलोसफी और बायोलॉजी पता नहीं किस किस पे स्टडी कर लिया उन 80 साल के कैरियर में। और उनका जो जिंदगी का सबसे बड़ा जो लैंडमार्क था वो ये था कि उन्होंने आज जो हम एक स्पीसीज की डेफिनेशन देते हैं, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जो था वो उन्होंने ही दिया था, ठीक। और उनको अवार्ड मिले बहुत सारे, आज उनको ट्रिपल क्राउन अवार्ड बोला जाता है, ट्रिपल क्राउन अवार्ड ऑफ बायोलॉजी, द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, द बेल्जियन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। अब वो कौन थे? वो थे अर्नेस्ट मेयर, जो कि पूरे 100 साल की उम्र में 2004 में उनकी डेथ हो गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे अर्नेस्ट मेयर को, फिर आप कहेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, तो आप कहेंगे अर्नेस्ट मेयर ने दिया था। तो आप एक डेफिनेशन याद रख लेंगे कि एक स्पीसीज किसको कहते हैं। देखो, ह्यूमंस हैं, होमोसेपियंस, ठीक है, डॉग अलग है, कैट अलग है, और डॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो कैनिस आता है, वो जेनरा है, ठीक है, और कैट का जो आता है वो फेलिस आता है, वो भी जीनस का उनका नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो देखिए, एक स्पीसीज हम कब बोलते हैं, एक स्पीसीज क्या होती है? हम जितने भी ह्यूमंस हैं, चाहे इंडिया में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, यूएसए में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, जहां मर्जी रह रहे हैं, लेकिन क्या है, हम सब क्या कर सकते हैं, इन रिप्रोडक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है ना। तो एक पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो क्या कर सके, इन ब्रीडिंग कर सके, आपस में इंटरब्रीड कर सके, सॉरी इनब्रीडिंग, इंटरब्रीड कर सके, मतलब रिप्रोडक्शन हो सके वहां पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, स्पीशीज। अब कैट जो है वो डॉग के साथ ब्रीडिंग नहीं कर सकता, ठीक है, उसका वहां पे रिप्रोडक्शन नहीं शो कर सकता वो, ठीक है। तो आपके पास, फिर से मैं समझा रही हूँ, एक स्पीशीज क्या हो गई, स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि क्या कर पाए, आपस में इंटरब्रीड कर पाए। अब देखिए, अगर इंडिया से कोई है, इंडिया का अगर कोई लड़का है, वो अमेरिका की किसी लड़की से शादी कर सकता है, क्योंकि हम सेम ही स्पीसीज के हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये दिया था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट मेयर ने, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जो मिला था वो बेल्जियन प्राइज इन 1983, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। आप बहुत अच्छे से याद रख लेंगे, बोर हो रहे हैं तो प्लीज जाग जाइए, अच्छा नहीं लगता मुझे आप जब बोर होते हैं, क्योंकि इनकी भी देखिए कि इन्होंने कितना ज्यादा अचीव किया, और हम क्या कर रहे हैं, हमें भी तो अचीव करना है कि नहीं करना है। तो कुछ अचीव करने के लिए अपनी नींद को साइड में रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, जिसमें सेल्फ मोटिवेशन होता है, सिर्फ वही जो है वो आगे बढ़ सकता है, वही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकता है, और जिसको एक्सक्यूजेस देने हैं वो कभी नहीं कर सकता है। चलिए, तो एग्जैक्टली अब हम समझते हैं कि लिविंग होता क्या है, ठीक है, तो व्हाट इज लिविंग, ठीक। तो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अ डीपली रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इंडीड इज लाइफ। देखिए, सिंपल सी इसको, मतलब इतना आपको पढ़ के बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो हम इकोलॉजी में देखते हैं कि पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन होती है ना, मेंबर्स मतलब इंडिविजुअल होंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को हम क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोल देते हैं, याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर लेवल से कोई चीज शुरू होती है, किससे शुरू होती है, मॉलिक्यूलर लेवल से, मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल से फिर आपके पास सेल बना, सेल से आपके पास टिश्यू बना, टिश्यू से आपके पास ऑर्गन बना, ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बन गया, इंडिविजुअल ने एक पॉपुलेशन बनाई, फिर
फिर पॉपुलेशन ने एक कम्युनिटी बना दी, कम्युनिटी ने इकोसिस्टम बना दिया, ठीक है, इकोसिस्टम आगे फिर इस तरह से लैंडस्केप, बायोम और बायोस्फीयर बना देता है, पूरा का पूरा अर्थ जो है, जितना भी ये पूरा आ गया इसको हम बायोस्फीयर बोल देते हैं, ठीक। तो ये मॉलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूल अलग अलग लेवल पे मॉलिक्यूल्स की जब स्टडी की जाने लगी, कॉमन पॉपुलेशन में देखा जाने लगा, पॉपुलेशन की इंटरेक्शन को समझने समझा जाने लगा, और दो कम्युनिटी भी इंटरेक्ट करती हैं आपस में, जब इस चीज को समझा जाने लगा तो ये भी कोशिश की गई समझने की कि लाइफ एग्जैक्टली है क्या। अब होता है ना कम्युनिटी, अब मैं ऐसा नहीं है कि हम चल पा रहे हैं और प्लांट्स चल नहीं पा रहे हैं तो प्लांट्स की कोई कम्युनिटी नहीं होगी। देखिए इसका सिंपल सा रीजन ये है, हम लोकोमोशन शो करते हैं, प्लांट्स नहीं करते हैं, उनमें मसल्स नहीं होती हैं, ठीक। तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है ना, प्लांट्स एनिमल्स भी बहुत सारे किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक। तो डिफरेंट हम एनिमल्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सब चीजें जो थी ये मतलब इंसान को सोचने पे मजबूर कर रही थी कि ये लाइफ है क्या, ये लिविंग एग्जैक्टली हम बोलेंगे तो लिविंग किसको बोलेंगे। व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम कोशिश करते हैं ना लिविंग को समझने की, तो वो जो सबसे जनरल कैरेक्टर्स जो हमें हमेशा से दिखता आ रहे कैरेक्टर्स, हम उनको की एग्जिबिट करता है लिविंग, जैसे कि वो चल सकता है, ठीक है, रेस्पायर कर सकता है, फिर रिप्रोडक्शन कर सकता है, इस तरह से हम देखने लगते हैं। तो देखिए ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड माउंट अ सुटेबल रिस्पॉन्स कम टू अवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जब हम इस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक, तो हमारे दिमाग में क्या आ गया कि ग्रोथ बढ़ता है लिविंग, रिप्रोड्यूस करता है, अपने आसपास जो हो रहा है उन चीजों को समझ पाता है, ठीक है। अब कीचड़ होगा, तुम जानबूझ के तो कीचड़ में छलांग लगा नहीं दोगे, अनलेस और अंटिल तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है तो, ठीक है, या तुम्हें ज्यादा मजा ना आता हो, कीचड़ में ज्यादा मजा आता हो तो तुम छलांग लगा सकते हो। भाई गाड़ी आ रही है, हम सेंस कर पाते हैं, हमारे हाथ पे लगी है, लिविंग कोई भी लिविंग है वो समझ पाता है, ठीक। और बाकी के फीचर्स हैं जैसे मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, ठीक, सेल्फ ऑर्गेनाइज, मतलब देखिए मेटाबॉलिज्म तो समझेंगे आपकी, हमारी बॉडी में जितने भी लिविंग के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं, ठीक। सेल्फ ऑर्गेनाइज, हम एक ऑर्गेनाइज होके रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि गंदगी में है तो वैसे ही रहेंगे। अब तुम बोलोगे जानवर हो कि मैम वो तो वैसे ही रह लेते हैं, बच्चे वो भी सफाई करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो भी गंदगी में ही रहते हैं, ठीक। पर अब जिस तरह की हैबिटेट, जितना गॉड ने चेंजेस लाए हैं, इवोल्यूशन किया है, उस इवोल्यूशन के हिसाब से वो बहुत पीछे हैं, लेकिन स्टिल वो ऐसी कोई बहुत गंदगी में, वो भी अपना जहाँ बैठना होता है वहाँ सफाई करते हैं, ठीक, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सब किस में आ जाते हैं, लिविंग के कैरेक्टर्स में आ जाते हैं, ठीक। तो देखो डाइवर्सिटी में बता रही थी कि हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स होती हैं चीज़ें, और ये लिविंग को एग्जैक्टली समझना जो है ये इंटरेक्शन पे ही बहुत डिपेंड किया है, अलग अलग पॉपुलेशन के अलग अलग कम्युनिटीज़ पे, ठीक। तो देखा है आपने अलग अलग तरह के लिविंग देखे हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट होते हैं जिनमें हम लिविंग को देखते हैं, चाहे बहुत ठंडी माउंटेन्स हो, चाहे डेसिडुअस होता है पतझड़ वाले, ठीक, डेसिडुअस फॉरेस्ट हो, ओशंस हो, लेक्स हो, डेजर्ट्स हो, गर्म पानी के झरने हो, मतलब कहीं भी आपको लिविंग मिल सकता है। और हम ये देख के हैरान भी हो जाते हैं कि अच्छा यहाँ यहाँ है लिविंग, तो एग्जैक्टली लिविंग को हम डिफाइन कैसे करें, ठीक। ये सारी चीजें हैं जिसने बायोलॉजिस्ट को फिर मोटिवेट किया कि आपको क्लियरली जानना चाहिए कि लिविंग क्या है। तो जनरल जो सबसे पहले लिया लोगों ने वो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट को लिया, फिर बाकी की चीजें जोड़ ली, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड एमर्जेंस टू दिस लिस्ट, आगे आगे मतलब जितना भी चीजें जो ऐड होनी है वो होती रहेंगी, ठीक है। तो सारे की पहला हम ग्रोथ की बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रोथ की। चलो भाई कितने लोग हैं जो उठ के जा चुके हैं, ठीक है, उठ के नहीं जाना है भाई, जिसने पढ़ना है वो बहुत अच्छे से पढ़े, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं, कोई भी लिविंग नहीं होगा जो कि ग्रो नहीं करेगा, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। देखो जब मैं बोल रही हूँ तो प्लीज आप पहले मुझे सुनिए, उसके बाद आप पढ़िए, उससे आपको आसान हो जाएंगी चीजें। अगर आप मेरे बोलने से पहले ही उधर पढ़ना शुरू कर दोगे तो आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे,
और कर नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ क्या हुआ? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप समझ लेंगे कि आप ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ किसको बोलेंगे, कि मास में इंक्रीज होना और नंबर ऑफ इंडिविजुअल। कई बार हम देखते हैं कि मास में ग्रो कर रहा है ना इंडिविजुअल, कई बार हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो इंक्रीज हो चुका है, तो इसको हम ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ बोलते हैं। ठीक। एक मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल डिवीजन से ग्रो करता है। प्लांट में ये ग्रोथ जो ये जो ग्रोथ है सेल डिवीजन की, ये पूरी लाइफ टाइम रहती है, लेकिन एनिमल्स में जो है ये एक एज तक ही देखी जाती है। समझ गए ना? अगर एनिमल्स में भी कॉन्टिन्यूअस होता ना सेल डिवीजन, तो हम लंबे होते रहते, लंबे होते रहते, बहुत लंबे होते रहते। फिर जिन लोगों को छोटा रहने की दिक्कत है कि वो हमारी तो हाइट ही नहीं हुई, तो उनको भी ये प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। जैसे प्लांट्स में हम देखते हैं कि एक प्लांट जो है वो कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, तो क्योंकि उनमें सेल डिवीजन कॉन्टिन्यूअस है, और हमें एक सर्टेन एज तक ही सेल डिवीजन पाया जाएगा, उसके बाद जो है वो सेल डिवीजन नहीं होता है। ठीक है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। हालांकि हमारी बॉडी में भी ऐसा नहीं कहेंगे हम कि सेल डिवीजन जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक, कि कुछ सेल्स जो है वो उनको रिमूव कर दिया। आपने सुना है ना, डेड सेल्स को रिमूव कर दो, नई नई सेल्स बननी चाहिए, अच्छी रहती है स्किन एंड ऑल। ठीक, तो ऐसा छोटा मोटा सेल डिवीजन जो है वो होता रहता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को ही रिप्रोडक्शन का एक मोड माना जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इमॉर्टल होते हैं, वो नहीं मरते हैं। ठीक, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल है, फिर देखिए इसका डीएनए है अंदर, डीएनए ने अपनी दो कॉपीज बना ली हैं, फिर इसका साइटोकाइनेसिस होता है बेटा, सेल का डिवीजन। ठीक, फिर जो सेल का डिवीजन है वो शुरू हो गया, सेल का डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ही साइटोकाइनेसिस हुआ, और ये दो आइडेंटिकल सेल में डिवाइड हो गया। ये एक सेल दो में डिवाइड होगी, पीछे कुछ बचा ही नहीं जिसकी डेथ होगी। ठीक है, इसीलिए इनको इमॉर्टल कहा जाता है। और ये हाई जैसे पीएच वगैरह, पीएच इनके लिए फेवरेबल नहीं है, टेम्परेचर इनके लिए फेवरेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन में जो है इनकी डेथ हो सकती है। ठीक, वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाई सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। इन मेजोरिटी ऑफ हाई एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर मुचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए, मैं समझाती हूँ कि ये जो बाइन डिफ्यूजन आपने देखा ना कि एक सेल जो है वो दो में डिवाइड हो गई, इन विट्रो होता है, मतलब बच्चे की लैब की कंडीशन में। लैब में जब आप करते हैं कोई एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे वही आपको लिविंग कंडीशंस ही देनी पड़ती हैं। लैब में जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करके, उसको बोलते हैं हम इन विट्रो। तो आप जो बड़ी इजीली जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिवीजन जो है वो देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि उनका नंबर किस तरह से बढ़ रहा है माइक्रोस्कोप का यूज करके। और जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ऐसा क्यों बोला गया? कि ऐसा इसलिए बोला गया कि जैसे जैसे इंडिविजुअल ग्रो होने लगता है वो प्यूबर्टी की तरफ बढ़ता है, तो इसीलिए इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब और वो होना ही होता है इवेंट्स कहा गया है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो क्या याद रखना है आपको, बॉडी मास में इंक्रीज को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। एग्जैक्टली, बॉडी मास में इंक्रीज को क्या कहा जाएगा? ग्रोथ। आपने पढ़ा था कि मास में इंक्रीज होना और नंबर में इंक्रीज होना आर द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ, और मेनली हम किसको कहेंगे? इंक्रीज इन बॉडी मास क्या आ गया? ग्रोथ। ठीक है, अब ठीक है, लिविंग को तो हमने बहुत बार बोल दिया कि लिविंग ग्रो कर रहा है, लिविंग ग्रो कर रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि नॉन लिविंग ग्रो नहीं करता है? नहीं ना। आप अपने सामने एक पहाड़ देखो, आप बहुत सालों बाद उसको देखोगे तो वो और बड़ा हो गया होगा। ठीक है, लेकिन बाहर से उस पर डिपोजिशन होगी। ठीक है, हमें कैसा होता है? हमें अंदर से हम ग्रो कर रहे हैं, वो बाहर से ग्रो कर रहे हैं। ठीक, पर फिर भी यहां तो बात गलत हो गई। नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, लिविंग भी ग्रो कर रहा है, तो हम कैसे मान लें कि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग की? नहीं है ना। तो चलिए देखिए, पढ़ते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी
टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन फॉर ग्रोथ. अगर हम बॉडी मास में इंक्रीज को ग्रोथ का क्राइटेरिया मान रहे हैं तो नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं. माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो. ठीक, माउंटेन्स ये बोल्डर्स और ये जो सैंड के माउंट्स होते हैं, मतलब वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. जैसे आप सैंड माउंट है, वो धीरे धीरे उस पर सैंड डिपॉजिट होता रहेगा, वो क्या होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा. हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाई अकोमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस. ऑब्वियस ही बात है, उसमें क्या होता है कि सर्फेस पे, उनकी सर्फेस पे डिपॉजिट होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है, तो क्या होता है, वो ग्रो करते हैं. उनका साइज भी क्या होता है, ग्रो करता है. जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से. हम मतलब इंटरनली ग्रो कर रहे होते हैं, और जो नॉन लिविंग है उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ हो रहा होता है डिपोजिशन ऑफ मटेरियल से. ठीक, इसीलिए भाई, अरे ये तो गलत हो गया, गलत हो गया. क्या गलत हो गया, कि ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रहा लिविंग ऑर्गेनिज्म की. क्यों नहीं रहा, क्योंकि नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहा है, चाहे बाहर से ही सही, ग्रो तो कर रहा है ना. ठीक है, तो कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन, एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम. लेकिन अभी वही, ऐसी किसी ने कोई कंडीशंस बताई नहीं है जो कि बहुत ही इसको इम्पोर्टेंस दें लिविंग में, और इसको बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक माने. पर फिर भी कुछ हद तक ये कैरेक्टरिस्टिक है, पर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है ना, तो अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो. अब एक डेड तो ग्रो नहीं करता ना, लिविंग तो ग्रो करता है ना. नॉन लिविंग पे डिपॉजिट्स हो सकते हैं, माउंटेन्स वगैरह पे, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक तो है ये, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई होप आपको ग्रोथ जो है वो क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं है. नहीं है तो क्यों नहीं है. ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ क्या हो गया, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या हो गया. एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ आपको कहाँ देखने को मिलेगा. ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स क्या होंगे, और एग्जैक्टली हम किसको ग्रोथ कहेंगे. ठीक है, तो दूसरा हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन. ग्रोथ हमने पढ़ लिया, ग्रोथ हम समझ गए कि लिविंग का है कैरेक्टरिस्टिक कि नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है क्या नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक है लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है. रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, चलिए अब देखो, अभी तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सॉरी एसेक्सुअल, अभी अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, मैंने आपको दिखाया अभी. तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स. इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम यही देखते हैं ना कि अपने ही जैसे रिप्रोडक्शन. बच्चे ध्यान रखेंगे कि एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन में, और रिप्रोडक्शन होता कब है. एक इंडिविजुअल पैदा होता है, मैच्योर होता है, जब मैच्योरेशन प्यूबर्टी की फेज आती है जिसमें कि वो कैपेबल होता है रिप्रोडक्शन की. ठीक, उस टाइम पे वो रिप्रोड्यूस करता है. रिप्रोड्यूस में क्या करता है, वो अपने ही जैसे दिखने वाले लिविंग्स को बनाता है, अपने ही जैसे लिविंग्स को बनाता है जिसके फीचर उनकी तरह थोड़े होते हैं. अब हम नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, हमें, हम जब हम पैदा हुए, ठीक है, हमें कुछ कैरेक्टर्स अपने पापा के भी हैं, कुछ कैरेक्टर्स अपने मम्मी के भी हैं कि नहीं है, तो थोड़ा बहुत हम उनसे सिमिलर भी हैं. तो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि इन इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली इसको किसके बारे में बात की जा रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ठीक, ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मीन से भी रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस. देखियो, फंजाई में बहुत अलग अलग तरह की स्पोर्स पढ़ेंगे आप. आगे जब आपके पास जो क्लासिफिकेशन आएगा उसमें आप पढ़ेंगे कि फंजाई में कौन कौन से स्पोर्स होते हैं. तो फंजाई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है बाय नंबर ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स. लोअर ऑर्गेनिज्म की बात देखो बेटा, जब भी हम आप लोअर ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल है, उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और वो बहुत ही प्रिमिटिव टाइम से जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं. ठीक है, तो इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग.
तो यीस्ट और हाइड्रा में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? बडिंग। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड आ जाएगा बच्चे। यीस्ट और हाइड्रा क्या हो जाएगा? बडिंग होगी इसमें। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म्स कहा जाता है। देखिए ये यीस्ट हाइड्रा बडिंग आपको बहुत अच्छे, जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ना शुरू करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये एग्जैक्टली कौन से किंगडम में आएंगे, कौन से फाइलम में, कौन से डिविजन में, कौन से क्लास में, कौन से ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको तो चलो समझ आ रहा होगा, टेंथ से जो निकले हैं उनको थोड़ा मुश्किल भी हो रहा होगा। ठीक, तो प्लेन एरिया में रीजनरेशन होता है। इसमें क्या होता है रीजनरेशन? अब देखो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आपके पास ये देखिए, ये है आपके पास बडिंग। बडिंग दिख रहा है आपको, यीस्ट में बडिंग हो रही है, अनइक्वल डिवीजन है बेटा। देखिए एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से एक बड निकलता है, थोड़े टाइम तक वो अटैच रहता है पेरेंट की बॉडी के साथ और इवेंचुअली वो अलग हो जाता है। अब ये जो बड है जब ये अलग होगा तो ये नए इस सेल में बन जाएगा, तो ये हो गया यीस्ट में बडिंग। अब ये हाइड्रा में बडिंग आपके पास आ रही है। देखिए यहाँ से हाइड्रा में, हाइड्रा याद रखिएगा एक एनिमल है, ठीक है, हाइड्रा में एनिमल किंगडम में आता है हाइड्रा, बट बट यीस्ट जो है वो फंजाई है। ठीक है, हाइड्रा में देखो ये आपके पास छोटा सा बड बना, फिर धीरे धीरे ग्रो किया ग्रो किया और इवेंचुअली ये भी अलग हो गया और ये इसने क्या बना दिया, नया हाइड्रा बना दिया। तो ये हाइड्रा में बडिंग है और ये यीस्ट में बडिंग है। रीजनरेशन में देखिए आप, रीजनरेशन का मतलब होता है प्लेन एरिया में हाई कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की, उसका हर एक हिस्सा टूटता है और हर एक हिस्सा एक नया प्लेन एरिया बना देता है। देखिए कमाल है ना, एक के तीन हिस्से हुए, तीन हिस्से हुए और तीन डॉटर सेल बन गई। तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस रखिएगा बेटा। ठीक है, तीन हिस्से, रीजनरेशन मतलब वो पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को फिर से रीजनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले फ्रेगमेंट हुए, ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पूरी से फिर से बॉडी को क्या कर दिया, रीजनरेट कर दिया। ओके, तो प्लेन एरिया फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन भी शो करता है एंड देन रीजनरेशन भी शो करता है। तो रीजनरेशन फिर से बोल रही हूँ कि एक इंडिविजुअल की बॉडी जितने हिस्सों में टूटेगी, जितने टूटे होंगे फिर उतने ही इंडिविजुअल जो है बन जाएंगे, तीन में टूटा है फिर तीन ही इंडिविजुअल जो है वो बन जाएंगे, यही रीजनरेशन होता है। फिर नेक्स्ट आपके पास आता है फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। देखिए ये देखो बच्चे, पहले किसी भी चीज़ को लेके एकदम से कंफ्यूज नहीं हो जाना, एकदम से ये फिलामेंटस एल्गी क्या होगा हमें समझ नहीं आ रहा है, हम तो अभी नए नए हैं, कोई बात नहीं, हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगी। अभी के लिए आप बहुत सिंपल टर्म्स में ये समझ लीजिए कि छोटे छोटे टुकड़े मिला के क्या बन गया एक फिलामेंटस एल्गी, मतलब डिवीजन होगा उसमें, पार्टीशन होगी बीच बीच में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, फिलामेंटस एल्गी। प्रोटोनिमा स्टेज किसमें होता है, मॉसिस। मॉसिस किसका हिस्सा है, ब्रायोफाइट्स का। एल्गी होता है, ब्रायोफाइट्स होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये किंगडम प्लांटिंग में आते हैं, तो ब्रायोफाइट्स जो है उन्हीं में आता है मॉसिस और उसमें प्रोटोनिमा स्टेज होती है। ये सारे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से, मतलब इनके टुकड़े होंगे और फिर वो टुकड़ा जो है वो फ्रेगमेंट जो है वो जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बना देगा। फिर जब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर बैक्टीरिया की, यूनिसेलुलर एल्गी की या अमीबा की, तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिप्रोडक्शन कहें या ग्रोथ कहें, क्योंकि ग्रोथ जो हो, रिप्रोडक्शन होगा वो ग्रोथ के ही सिनोनिमस होगा। देखिए बताती हूँ, जैसे हम एक बैक्टीरिया को तो देख नहीं सकते हैं लेकिन हम उसकी कॉलोनी को देख सकते हैं। अगर आप दो तीन बैक्टीरिया रखा है, छोटी सी कॉलोनी है, थोड़ी देर बाद आप देखिए वो कॉलोनी बड़ी हो गई। अब वो कॉलोनी बड़ी कब होगी, जब वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, सेल डिवीजन को ही हम उसमें क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। और उसने उससे क्या किया, अपना नंबर इंक्रीज किया, नंबर इंक्रीज होने को हमने क्या कहा था, ग्रोथ कहा था। इसीलिए यहाँ पे आ गया कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। तो मतलब हमने पहले ही पढ़ा है कि इंक्रीज जो होता है सेल नंबर में या मास में, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। तो इसलिए हम नोटिस करते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में हमें समझ नहीं आता है ग्रोथ कहें या फिर प्रोडक्शन कहें, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ये चीज़ हमें क्लियर नहीं है। फर्दर मोर देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। अरे ये क्या हो गया, हम तो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, हम तो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे, माना कि नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, माना कि सारे के सारे नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। अरे भाई लेकिन लिविंग भी हैं जो क्या नहीं करते, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है म्यूल।
क्या आ गया एग्जाम्पल आपके पास? म्यूल, म्यूल जो है वो डोंकी और हॉर्स को हाइब्रिडाइज करके बनाया जाता है, म्यूल खच्चर ऐसे इसको हिंदी में कहा जाता है इस तरह से। स्टिराइल वर्कर बीज, अरे मधुमक्खी, मधुमक्खी होती है एक रानी मक्खी होती है, रानी मक्खी खुद राज करती है और जो उसकी वर्कर बीज होती हैं, तो सिर्फ रानी मक्खी रिप्रोड्यूस कर पाती है, वर्कर बीज जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं, और फिर ऐसा कपल जो कि इनफर्टाइल हो, तो ये सारे क्या है? म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये सब क्या है? लिविंग है लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो भाई अब दोबारा से जो रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत सारे लिविंग हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स नो नो लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। हम मानते हैं कि कोई भी नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, वो अपनी दूसरी कॉपी को नहीं बना पाता, लेकिन बहुत सारे लिविंग हैं जिनमें ये चीज नहीं होती, जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होती है, इसीलिए हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, ठीक है। और एक आता है कैरेक्टरिस्टिक लिविंग का, वो आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बच्चे देखो, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पूरी की पूरी केमिकल से बनी हुई है। अगर आपने पढ़ा एक सेल आप पढ़ते हैं, सेल सेल मेम्ब्रेन है, सेल में एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है ना, सेल मेम्ब्रेन है, फिर अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, अब सेल मेम्ब्रेन की बात करूंगी तो उसमें भी फॉस्फोलिपिड होते हैं, लिपिड, ये सब क्या है? केमिकल्स हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब चीजें बनती हैं और टूटती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो पूरी रिएक्शंस हो रही हैं, इनको बनने का रिएक्शन हो रहा है, इनको टूटने का रिएक्शन हो रहा है, ये सब क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म हो गया। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, सारे की सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? केमिकल से बने हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शन एटसेट्रा, आर कॉन्स्टेंटली बींग मेड एंड चेंज इन टू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो ये जो केमिकल्स हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे किसी भी साइज के हैं, चाहे कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली क्या होता है, ये चेंज होते रहते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स में। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज मिलके स्टार्च बना देगा, ग्लूकोज मिलके ग्लाइकोजन बना देगा, ठीक है। एनएसिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है जो मिलके काइटिन बना देता है, काइटिन जो है सेल वॉल ऑफ फंजाई में पाया जाता है, ठीक। तो ये चीजें बनेंगी भी, ये चीजें टूटेंगी, ग्लाइकोजन टूट सकता है, फिर से किसमें बन सकता है? ग्लूकोज। तो ये जो सिंथेसिस हुई, जब सिंथेसिस हुई किसी चीज की, एनाबोलिज्म, जब कोई चीज टूट रही है, कैटाबोलिज्म, जब टूटेगी तो एनर्जी देगी, एक्सोगोनिक प्रोसेस, जब बनेगी तो उसमें एनर्जी लगेगी, एंडरगोनिक प्रोसेस, ठीक है। तो दोनों कैटाबोलिज्म हो या एनाबोलिज्म है, उसको हम क्या बोल देते हैं? मेटाबोलिज्म। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी द यूनिसेलर और मल्टी सेलर, चाहे वो रिएक्शन कोई भी है, बनने की है, टूटने की है, चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर है, चाहे मल्टी सेलर है, लेकिन मेटाबॉलिज्म होगा। देखिए, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब हैं, सब में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। लेकिन कोई भी नॉन लिविंग, एक सिंगल नॉन लिविंग भी नहीं है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म होगा, किसी भी नॉन लिविंग में मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। लेकिन तो फिर तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। हाँ, विदाउट एनी एक्सेप्शन ये क्या हो जाता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। लेकिन जो सेल फ्री मीडियम में भी, मतलब बिना लिविंग सेल के भी मेटाबॉलिज्म हो सकता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन को हम लैब में भी करते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी परफॉर्म किया जा सकता है, तो उस टाइम पे वो लिविंग थिंग नहीं होगी, वो जो रिएक्शन कोई लिविंग चीज नहीं होगी, वो सिर्फ क्या हुई? लिविंग रिएक्शन हो गई। तो देखिए, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, बिना सेल के भी बॉडी के बाहर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को किया जा सकता है। एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में हम कर रहे हैं, ठीक, ना तो वो लिविंग है ना तो वो नॉन लिविंग है। हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के क्या है ये? डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आ गया इन विट्रो, इन विट्रो समझते हैं आप, लेबोरेटरी कंडीशन में, वो क्या हुआ? वो श्योरली लिविंग रिएक्शन हुआ, लिविंग थिंग नहीं हुआ। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को भी आप एग्जैक्टली जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं करेंगे, अगर वहां पे ऑप्शन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है सिर्फ और सिर्फ लिविंग में होता है, और नॉन लिविंग में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। सेल
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सिर्फ किसमें हुई सेल? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, नॉन लिविंग में सेल नहीं हुई। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल दिया गया? डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अब आपके पास ऑप्शन, अगर मैं मेटाबॉलिज्म भी ऑप्शन में है और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी ऑप्शन में है, तो आप क्या चूज करेंगे? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर, लेकिन जो मेन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी आती है वो अभी तक आई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम अपना लेक्चर थोड़ा खत्म करते हैं। लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। अगर आप चाहते हैं आपको असाइनमेंट भी मिले, उस टाइम में आपको असाइनमेंट भी मिलेगी, तो इसके लिए आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आपको कॉन्टैक्ट दिया गया है, लिंक दिया गया है, उस पर आपको कॉन्टैक्ट करके जो है एडमिशन लेना पड़ेगा, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और मेक श्योर आप इस ये पढ़ के, यहाँ से पढ़ के गए हो ना, उसके बाद फिर आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। इवन आफ्टर दैट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ वो आप कमेंट में करिए, अपनी कॉपी लगाइए और पढ़ते रहिए। देखिए, तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज बायोलॉजी, दूसरा क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु गिव्स द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाट इज अ स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर सेवन, डिफाइन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, मेटाबोलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये सारे क्वेश्चन अगर बेटर है, अगर आप लोग कमेंट में भी इनके आंसर देंगे, आई विल बी मोर हैप्पी। समझ आएगा कि आप पढ़ रहे हैं, मैं भी थोड़ा और मेहनत करूंगी। थोड़ा पावर आप दिखाइए, थोड़ा पावर हम दिखाएंगे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।